हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके प्रश्नों के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी की जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करते हैं, उसी के साथ में जो उनका परफॉर्मेंस है, जैसे कि कितने क्लेम आए, कितने रिजेक्ट किए, कितने अप्रूव किए, ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं तभी। ठीक है, तो ऐसा ही एक इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम मिला कि सर मैं एसबीआई लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूं कि लास्ट 5 ईयर्स का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्लीज बताइए। और एक ये भी कमेंट आया था जो हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, वहां पे। ओके, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर विजिट किया है तो पहले आप वीडियो एंड तक आराम से देखो, और आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर लगे तो आप सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना। और जो ऑलरेडी यू द रियल फैमिली मेंबर हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि जो एसबीआई लाइफ है उसने लास्ट 5 ईयर्स में कितना कितना हर साल ग्रॉस प्रीमियम अर्न किया, कितनी कितनी असेट्स अंडर द मैनेजमेंट रही है, कितने कितने क्लेम अप्रूव्ड किए, कितने रिजेक्ट किए, कितने पेंडिंग में गए, सॉल्वेंसी रेशो क्या रहा, राइट। तो देखिए एसबीआई के बारे में हम सबको पता है कि 1806 में कोलकाता बैंक था, राइट, जिसका नाम आगे चल के चेंज होता रहा, और वो एसबीआई बैंक में इन द एंड वो हो गया। आज के टाइम में एसबीआई बैंक 37 कंट्रीज के अंदर एक्टिव है, वहां पे उनके 198 ऑफिसेज हैं, ब्रांचेज हैं, जो एक्टिवली वहां पे वर्क कर रही हैं। इंडिया के अंदर 23,000 से ज्यादा, अप्रोक्सीमेट 23,000 इनकी जो है यहाँ पे ब्रांचेज आपको देखने के लिए मिल जाती है। लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में वर्क करने के लिए एसबीआई ने फ्रेंच बेस्ड, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में सिचुएटेड है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप का जो नेम है वो है BNP पेरबा कार्डिफ। अब ये जो ग्रुप है ये भी एक मल्टीनेशनल बैंक प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है, जैसे कि एसबीआई है, राइट। और जो BNP पेरबा जो ग्रुप है ये 70 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी एक्टिव, और ये भी काफी एक पुराना ग्रुप है, कुछ ऐसा नहीं है कि नया है, ये भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप है अपने आप में, राइट। और यहाँ पे जो आप जॉइंट वेंचर में जानना चाहते हो किसका कितना स्टेक होल्डरशिप है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आराम से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है यार। अभी एट प्रेजेंट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है श्रीमान महेश कुमार शर्मा। तो बिना समय गवाए डायरेक्टली कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, जानते हैं क्या था ग्रॉस प्रीमियम, क्या था असेट्स अंडर द मैनेजमेंट, और कितने क्लेम रिजेक्ट हुए, कितने अप्रूव हुए, सॉल्वेंसी रेशो क्या रहा। 2014-15 के अंदर कंपनी का जो टोटल ग्रॉस प्रीमियम था वो था आपका 12,867.11 करोड़, और कंपनी को इस साल जो क्लेम रिसीव हुए वो थे 14,876। टोटल जो क्लेम कंपनी ने पे किए वो थे 13,303, और जो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किए वो थे 1,103, और पेंडिंग जो क्लेम रह गए थे ये एंड में वो थे 470। तो कंपनी का जो क्लेम रेशो निकल के आया था वो आया था 89.43%, इनक्योर्ड क्लेम रेशो रहा था 83.72%, सॉल्वेंसी रेशो 31 मार्च 2015 पे रहा था 2.16% का, और जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट था 31 मार्च 2015 पे वो था 70,773.75 करोड़। नेक्स्ट ईयर 2015-16 में कंपनी का जो टोटल ग्रॉस प्रीमियम रहा वो था 15,825.36 करोड़। टोटल जो क्लेम कंपनी के पास इस साल जो न्यू क्लेम आए वो थे 15,632, पेंडिंग क्लेम थे 470, तो हम इनको प्लस कर देते हैं तो टोटल क्लेम हो जाते हैं यहाँ पे 16,102। कंपनी ने क्लेम यहाँ पे निपटान कर दिया 15,037 का, राइट, 15,037 क्लेम कंपनी ने पे कर दिया, तो क्लेम रेशो हो गया 93.39%। आईसीआर यहाँ पे रहा कंपनी का 83.05% का। जो क्लेम रिजेक्ट हुए वो थे 767, पेंडिंग जो क्लेम रहे वो थे 289। कंपनी का जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट रहा वो रहा आपका 79,455.72 करोड़ का। सॉल्वेंसी रेशो 31 मार्च 2016 पे रहा 2.12%। नेक्स्ट ईयर 2016-15 में जो कंपनी का ग्रॉस प्रीमियम रहा टोटल वो था 21,015.13 करोड़। कंपनी के जो पेंडिंग क्लेम थे वो थे 298, राइट, जो प्रीवियस ईयर के थे। न्यू जो क्लेम थे वो थे 70,312, तो टोटल क्लेम हमारे हो गए 70,610। तो कंपनी ने जो क्लेम पेड किए मतलब निपटान किया वो था 17,027, इतने क्लेम तो उन्होंने कंपनी ने दे दिया, निपटान कर दिया, इनको क्लेम पेड कर दिए। अब जो रिजेक्टेड यहाँ पे क्लेम हुए वो हुए 450,
पेंडिंग क्लेम रहे 132, कंपनी का क्लेम रेशो रहा यहाँ पे 96.69%, इनक्योर्ड क्लेम रेशो रहा 85.75% का, सॉल्वेंसी रेशो 31st मार्च 2017 पे रहा 2.04%, और असेट्स अंडर द मैनेजमेंट बढ़कर हो गई 96,873.87 करोड़। 2017-18 में जो टोटल ग्रॉस प्रीमियम रहा वो था 25,354.14 करोड़, और इस साल जो कंपनी को क्लेम रिसीव हुए वो थे 18,753, और जो पेंडिंग क्लेम थे वो थे 132, तो टोटल क्लेम हो गए 18,885। तो यहाँ पे कंपनी ने जो क्लेम पेड कर दिए वो थे 18,272, और क्लेम रेशो हो गया 96.76% का, आईसीआर हो गया 92.13% का। इस साल जो क्लेम रिजेक्शन देखने के लिए मिला वो हुए 496, और जो पेंडिंग क्लेम थे वो हुए 72 क्लेम जो पेंडिंग में चले गए। तो 31st मार्च 2018 पे जो कंपनी का असेट्स अंडर द मैनेजमेंट हुआ वो हुआ 1,15,171.53 करोड़, और जो सॉल्वेंसी रेशो था वो हो गया 2.06% का। 2018-19 में टोटल कंपनी ने जो ग्रॉस प्रीमियम अर्न किया वो था 32,989.42 करोड़, राइट। अब जो हमारे पेंडिंग क्लेम थे पिछले साल वो थे 72, नए क्लेम जो यहाँ पर आए वो थे 19,830, तो टोटल हो गए 19,902। कंपनी ने यहाँ पे निपटारा कर दिया 18,913 क्लेम का, मतलब 18,913 क्लेम उन्होंने निपटा दिए, और जो क्लेम यहाँ पे पेंडिंग रहे वो रहे ओनली 28, जो क्लेम रिजेक्ट हुए वो हुए 889, क्लेम रेशो रहा 95.03%, और जो इनक्योर्ड क्लेम रेशो था वो हो गया 90.21%, मतलब 90.21%, राइट। और जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट 31st मार्च 2019 पे रहा वो था 1,39,970.37 करोड़, सॉल्वेंसी रेशो 31st मार्च 2019 पे रहा 2.13%। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है जिससे आपको एक आइडिया होगा कि कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में ऑन द ग्राउंड किस तरीके से वर्क किया, किस तरीके से क्लेम दिए, कितने नंबर ऑफ क्लेम रिजेक्ट किए, कितने अप्रूव किए। अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है आप खुद भी अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन पे, उसके ऊपर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन आप क्रॉस चेक कर पाओगे। और अब बात करते हैं कि कंप्लेंट्स किस तरीके की हमने देखी। मैंने जो कंप्लेंट देखी बेसिकली कुछ तो लोग डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लोगों ने कमेंट किया है कि कंपनी सुनती नहीं है, ये है वो है, मिस सेलिंग हो जाती है, इसके जो एजेंट है होता कुछ है, बताते कुछ है। अब ऐसा कुछ नहीं था कि दूसरी कंपनी की मैंने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी है। इवन दो लोग LIC को लेके भी बहुत मतलब अजीब अजीब तरीके का कमेंट हमारे ही YouTube चैनल पे करते आए हैं। तो ये तो हो गए अपने YouTube चैनल पे जो हमने देखा। इसके अलावा और जो अलग जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो मैंने एक्साइड इंश्योरेंस वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो सोर्सेज शेयर किए थे उन सोर्सेज की भी अगर बात करें वहां पे भी अगर हम जाके देखते हैं तो सारा निचोड़ यही है कि हमें जो लालच जो हमारा जो रहता है, राइट, कि हम अपना टाइम भी बचा ले, हम कमीशन भी ले लें, और उसके साथ साथ में हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हो जाए, इसकी वजह से हमारे साथ मिस सेलिंग होती है। क्योंकि प्रोसेस क्या है, जैसे हम अपना जूता लेने जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि भाई 7 नंबर का साइज हमारे आएगा या 8 नंबर का आएगा, तो पैर की प्रोटेक्शन के लिए, राइट, जितना हमारा पॉकेट अलाउ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम शूज लेते हैं। तो हमें पैर का साइज भी पता है, राइट, और अपनी पॉकेट भी पता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पैर की प्रोटेक्शन करते हैं शूज पहन के, सिंपल सी बात है। लेकिन यही जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं यही अपना कॉमन सेंस हम वहां पे यूज नहीं करते। तो इस वजह से जो भैया दुनिया है, अच्छे लोग हैं बुरे लोग भी है, बुरे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप बन जाते हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है इन सब से बचने के लिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिसी बॉन्ड, पॉलिसी ब्रोशर से लेके ये सारी चीज आराम से बैठ के पढ़ लो। टाइम नहीं है रोज 1 घंटे का या 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का भी टाइम अगर निकाल सकते हो निकालो। 15 से 7 दिन का टाइम लग रहा है सब कुछ रीड करने में, कर लो। उसके बाद क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करो, समझ में आए देन आगे बढ़ो, वरना रहने दो, क्योंकि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है।
और प्रोटेक्शन कभी लापरवाही के साथ और अधूरी तो बिल्कुल नहीं ली जाती। तो चलता हूँ, विदा लेता हूँ, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में आपके किसी प्रश्न के उत्तर के साथ। इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। चलता हूँ, विदा लेता हूँ, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में आपके किसी प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं।